भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव की तिथि घोषित करने के बाद से ही सभी राजनीतिक पार्टियों द्वारा चुनाव प्रचार तेज हो गया। मुरादाबाद जनपद में 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव का मतदान होना है। सभी पार्टियों के प्रत्याशियों ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, साथ ही जनता के बीच वोट मांगने के लिए काम हो रहा है। सभी प्रत्याशी अपने जनसंपर्क में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते और सभी लोगों से वोट करने की अपील कर रहे हैं। इस बार लोकसभा चुनाव में कई चेहरों ने अपनी किस्मत आजमाई है। मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र से भारतीय बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी ओमकार सिंह एडवोकेट ने अपने लोकसभा क्षेत्र में जनसंपर्क करते हुए वो दिखाई दिए और सभी से अपने हक में वोट देने की अपील की। ओमकार सिंह एडवोकेट का कहना है कि मुझे सभी धर्म जाति का सम्मान मिल रहा है, सभी लोग मुझे समर्थन दे रहे हैं। मेरा उद्देश्य यही है कि मैं देश और समाज की सेवा कर सकूं। इस दौरान उन्होंने कई मुस्लिम क्षेत्रों में पहुंचकर जनसंपर्क किया और सभी से अपने हक में वोट करने की अपील की। ओमकार सिंह एडवोकेट का कई स्थानों पर स्वागत भी हुआ और सभी ने उनके द्वारा कही गई बातों का समर्थन भी किया। ओमकार सिंह एडवोकेट ने कहा कि ईद का मौका है और इस ईद के मौके पर सभी जनता के बीच पहुंचकर ईद की शुभकामनाएं दी जा रही हैं। सभी से अपने हक में वोट करने की अपील भी की जा रही है। देखिए सर्वप्रथम ईद है, सभी भाइयों को सभी नागरिकों को ईद की हार्दिक बधाई देता हूँ। आज मैं शहर क्षेत्र में घूमा हूँ और मुझे भारी समर्थन मिलता चला जा रहा है। मैं किसरोल घूमा हूँ, मैं मोतीबाग घूमा हूँ, मैं लालबाग घूमा हूँ, मैं दीवान का बाजार घूमा हूँ, फैजगंज घूमा हूँ, GIC इंटर कॉलेज घूमा हूँ। तो मुझे जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ भारी मतों से मुझे समर्थन मिलता चला जा रहा है। मेरी जो है वोट संख्या बढ़ती चली जा रही है। लोग मेरे लिए खुद वोट मांग रहे हैं। क्या मुद्दे रहे पहले सांसद के जो काम नहीं हो पाए थे, इस बार आपको करने पड़े? देखिए अभी तक जो यहाँ अमरावाद के जो सांसद रहे उन्होंने कोई कार्य नहीं किया है, क्योंकि अगर यहाँ कार्य किया गया होता तो यहाँ मेडिकल कॉलेज होता, यहाँ IIT कॉलेज होता, NIT कॉलेज होता, एम्स होता। हमें आयुष्मान कार्ड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आयुष्मान कार्ड भी एक धोखा है, क्योंकि जो BJP को ज़्यादा वोट ज़्यादा जो चंदा देते हैं वो अस्पताल उससे लिंक किए गए हैं। जितने का जो है 5 लाख का, अगर जितने लोगों को अब बीमा किया गया है उतने में तो एक अस्पताल बढ़िया बन जाता और फ्री इलाज हो सकता था। हमें बीमे की ज़रूरत नहीं, फ्री इलाज की ज़रूरत है, फ्री शिक्षा की ज़रूरत है, वो जो आज तक किसी सांसद ने कभी आवाज़ नहीं उठाई। निर्दलीय चुनाव लड़ना फैसला करा? निर्दलीय नहीं हुए, मेरी पार्टी भारतीय बहुजन समता पार्टी है जो पहली बार जो है कंटेस्ट कर रही है। यहाँ क्या कहना चाहेंगे मुरादाबाद की जनता से? मैं मुरादाबाद की जनता से कहना चाहूँगा कि मुझे भारी मतों से जिताएं, क्योंकि मैं पिछले 20 साल से मेरे गुरु हाजी मोहम्मद इकबाल थे जो जनता की गरीबों की आवाज़ उठाते रहते थे। यहाँ के तमाम समस्याएं, मीट बंदी की आवाज़ हमने उठाई, यहाँ की जो है भट्टियों की आवाज़ हमने उठाई, तमाम आवाज़ें हम उठाते चले आ रहे हैं। और यूनिवर्सिटी जो है के लिए मैंने संघर्ष किया और यूनिवर्सिटी बन रही है। जब मैं बिना पद पर रहते हुए ये कार्य कर सकता हूँ तो अगर मुझे सांसद बना देती है जनता तो मैं संसद में चुप नहीं बैठूंगा। यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनके निस्तारण के लिए संघर्ष करता रहूँगा।